अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं खुर्रम तुफैल, रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपके साथ। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि नए माली साल के बजट में 1 से ज़्यादा 2.5 करोड़ रुपए मालियत के घरों पर 1% टैक्स लागू होगा। इस हवाले से तफसीलात से आपको आगाह करते चलें कि वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने माली साल 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि 1 से ज़ायद घर पर खसूसी टैक्स फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि एक गैर मनकूला असासों की खरीदो फरोख्त से हासिल मुनाफे की शरह मुख्तलिफ होगी। गैर मनकूला असासों की खरीदो फरोख्त पर पहले साल 15% टैक्स लिया जाएगा, जबकि गैर मनकूला असासों की 6 साल बाद फरोख्त पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पर्संस की सालाना आमदनी 3 करोड़ है तो 2% टैक्स होगा। 1600 cc से ज़ायद इलेक्ट्रिक इंजन गाड़ी का टैक्स कीमत का 2% होगा। बजट में हुकूमत ने ज़्यादा आमदनी वालों पर खसूसी टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की। ज़्यादा आमदन वालों पर स्पेशल टैक्स लगाया जा रहा है। ऐसी अशिया पर टैक्स लगाया जा रहा है जो ज़्यादा आमदन वाले ख़रीदते हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स छूट की हद 12 लाख रुपये कर दी गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाख़बर रहने के लिए रेड बॉक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि रेड बॉक्स ज़रूरी है।